जंगल के बीच में जोई नाम का शख्स अपनी जान बचाने के लिए डर के मारे दौड़ रहा था, जबकि एक रहस्यमय आकृति उसका पीछा कर रही थी। दुर्भाग्य से जोई ठोकर खाकर गिर गया, जिससे वो आकृति उसे पकड़ लेती है। दरअसल वो आकृति एक पिशाच निकलता है और तुरंत ही जोई का खून पीने लगता है। उसी समय सूरज की रोशनी निकलती है और पिशाच जलकर राख में बदल जाता है, लेकिन रोशनी में जोई का हाथ भी जल जाता है, जिसका मतलब था कि अब वो भी खुद एक पिशाच बन गया है। वो पेड़ों की छाया में छिपते हुए चलता है और आखिरकार लकड़ियों के ढेर तक पहुंचता है। वहां से वो एक कंबल उठाकर खुद को ढक लेता है और पास की एक झोपड़ी में यानी शेड में दौड़कर खुद को सुरक्षित कर लेता है। वहां पहुंचकर वो उल्टी में करता है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से पिशाच बन चुका होता है। उधर स्टेन नाम का लड़का सुबह अपने घर में जागता है और अपने माता पिता के साथ नाश्ता करने लगता है। अचानक एक ग्लास गिरता है और उसकी माँ बहुत बीमार दिखाई देती है और घर की हालत भी बहुत खराब हो जाती है। फिर उसके पिता बंदूक उठाकर अपने बेटे के सामने खुद को गोली मार लेते हैं। उसी पल स्टेन जाग जाता है, ये समझते हुए कि ये एक सपना था। असलियत में उसका घर अच्छी हालत में नहीं था और उसके माता पिता मर चुके थे, इसलिए वो अपने दादाजी एलिस के साथ रहता है, जो एक पूर्व सैनिक थे और हमेशा स्टेन पर चिल्लाते रहते थे। एलिस चाहते थे कि स्टेन उन्हें हर समय सर कहकर बुलाए। जब स्टेन उनकी बात नहीं मानता तो एलिस उसे दीवार पर धकेल देते हैं और आज की पीढ़ी के बारे में शिकायत करते। स्टेन स्कूल जाते समय ये दिखाया जाता है कि वो झोपड़ी एलिस के घर का ही हिस्सा थी। स्टेन साइकिल चला रहा होता है, तभी स्कूल में उसे परेशान करने वाला गिरोह पागलों की तरह गाड़ी चलाते हुए उसे गिराने की कोशिश करता है। स्टेन उनसे बच जाता है, लेकिन ध्यान भटकने के कारण वो एक पुलिस ट्रक से टकरा जाता है। शेरिफ डॉनी स्टेन को समझती है, लेकिन उसका डिप्टी ऑफिसर गुस्से में होता है और स्टेन को याद दिलाता है कि वो जल्द ही 18 साल का हो जाएगा, जिसका मतलब है कि अब उसे जुवेनाइल सेंटर नहीं बल्कि सीधे जेल भेजा जाएगा। स्कूल में स्टेन का सबसे अच्छा दोस्त डॉमर गिरोह को उसके बारे में बुरा भला कहते सुनता है और उनसे भिड़ जाता है। इससे गिरोह के सदस्य मार्बल पिट और ऑजी गुस्से में आ जाते हैं और वे कॉरिडोर में एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। रॉक्सी और स्टेन तुरंत उसकी मदद के लिए आते हैं और स्टेन लगभग लड़ाई शुरू कर देता है, जिसे एक टीचर द्वारा रोका जाता है। बाद में डॉमर कहता है कि वो इन सब से थक चुका है और एक दिन वो इस गिरोह को मार डालेगा। वो रॉक्सी की भी शिकायत करता है, जो पहले उनके फ्रेंड्स ग्रुप का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन अब वो दूसरे बच्चों के साथ समय बिताना पसंद करती है। फिर भी स्टेन उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाता। बाद में घर पर स्टेन छत पर जाकर अपने माता पिता की तस्वीरें देखता है और इमो संगीत सुनते हुए चाकू से खेलता है। खुद को काटने के बाद वो चाकू को निशाने पर सही से फेंकता है। फिर एलिस उसे घास काटने का आदेश देते हैं। जब स्टेन बाहर जाता है तो कुत्ता झोपड़ी की ओर भौंकने लगता है, लेकिन स्टेन इसे चेतावनी नहीं समझता और झोपड़ी के अंदर चला जाता है। वहां घास काटने की मशीन ढूंढते हुए उसे मेज पर कुछ दांत दिखाई देते हैं। तभी जोई छिपकर बाहर आता है और स्टेन पर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे स्टेन गलती से खिड़की खोल देता है। जलती धूप जोई को पीछे हटा देती है और स्टेन झोपड़ी से बाहर भाग जाता है, ये सोचते हुए कि उसने किसी नशेड़ी को देखा था। स्टेन जोर से चिल्लाता है कि अंदर जो कोई भी है वो बाहर आए, लेकिन जब जोई बाहर नहीं आता तो स्टेन उसके पीछे कुत्ते को भेज देता है। जैसे ही कुत्ता अंदर जाता है, कुत्ते की दर्दभरी चीखें सुनाई देती हैं और हिंसक आवाजें आने लगती हैं। फिर कुत्ते का सिर शेड से बाहर फेंक दिया जाता है। घबराया हुआ स्टेन चाकू लेने के लिए घर के अंदर भागता है, तभी एलिस उसे डांटने आते हैं। स्टेन उन्हें कुत्ते और घुसपैठिए के बारे में बताता है। एलिस कुत्ते को पुकारता है ताकि सच्चाई का पता चल सके और फिर बिना स्टेन की सलाह सुने बाहर जाते हैं। एलिस अपने मरे हुए कुत्ते को देखकर दंग रह जाते हैं और वो अपनी लाठी स्टेन को देकर एक लकड़ी की छड़ी के साथ उस घुसपैठिए को मारने शेड में घुस जाते हैं। कुछ मिनट की खामोशी के बाद एलिस स्टेन को बताते हैं कि शेड खाली है सिवाय कुत्ते के शरीर के। तभी वे अचानक से चीखने लगते हैं, फिर से हिंसक आवाजें सुनाई देती हैं और जब सब कुछ शांत होता है, एलिस बुरी हालत में दरवाजे से बाहर आते हैं। स्टेन उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जोई एलिस को वापस शेड में खींच लेता है और दरवाजा बंद कर देता है ताकि वो उसे मार सके। डर के मारे स्टेन कुत्ते की जंजीर से दरवाजे को बंद कर देता है, जबकि उसके दादाजी का खून लकड़ी के नीचे से बहने लगता है। फिर वो घर वापस दौड़ता है और एलिस की बियर पीने लगता है, जो आम तौर पर उसे पीने की अनुमति नहीं होती। स्टेन पुलिस को बुलाने के बारे में सोचता है, लेकिन वो पहले से ही शेरिफ से उलट चुका है और उसे लगता है कि वे इस मामले का दोषी उसे ही ठहराएंगे, इसलिए वो फोन छोड़ देता है और शेड को ठीक से सील करने का काम करने लगता है ताकि जोई बाहर निकलकर किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। उस रात कोई स्टेन के बेडरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि शायद वे एलिस हो। स्टेन कमरे से बाहर जाता है, लेकिन गलियारे में कोई नहीं होता। बिजली बंद होती है और वो सुनता है कि एलिस उसका नाम धीरे धीरे पुकार रही है। वो अपने दादाजी के कमरे में जाकर देखता है, तभी अचानक उसके पीछे से एलिस उसका नाम चिल्लाता है, लेकिन वहां भी कोई नहीं होता।
अब धीरे धीरे फुसफुसाटे नीचे से आने लगती हैं और वो उनका पीछा करता हुआ शेड तक पहुंच जाता है, जहां से आवाजें और गहरी होने लगती हैं। वो शेड खोलने की तैयारी करता है, तभी जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अचानक स्टेन अपनी जगह पर उठता है, जैसे नींद से जागा हो। अगले दिन स्कूल में रॉक्सी स्टेन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मार्बल उसे होमवर्क में मदद करने के लिए बुलाता है। रॉक्सी जानती है कि स्टेन उसके और मार्बल के रिश्ते को उसके बुरे व्यवहार की वजह से नापसंद करता है, लेकिन साथ ही वो बस अंतिम साल बिना परेशानियों के निकालना चाहती है। हालांकि स्टेन सोचता है कि ये फैसले स्कूल के बाद भी उसके जीवन पर असर डालेंगे। वो एलिस के साथ हुए हादसे के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन डॉमर बीच में आ जाता है और स्टेन चिढ़कर वहां से अकेला चला जाता है। जैसे ही डॉमर स्कूल से निकलता है, गैंग फिर से उसे अपमानित करना शुरू कर देता है और डॉमर उन्हें दोनों हाथों से उंगली दिखाता है। गुस्से में तीनों उसका पीछा करते हुए जंगल में घुस जाते हैं। घर पर स्टेन देखता है कि शेर का दरवाजा हिल रहा है, इसलिए वो एक बैट उठाकर पास जाता है। अचानक जोई दरवाजे में एक छेद करता है और स्टेन की गर्दन पकड़ लेता है, जिससे स्टेन उसका राक्षसी चेहरा देख सके। जल्दी ही सूरज की रोशनी जोई के हाथों को जलाने लगती है, जिससे स्टेन को खुद को छुड़ाने का मौका मिलता है और जोई फिर से छिपने अंदर चला जाता है। उसी समय डॉमर खून से लथपथ वहां आता है और स्टेन पर चिल्लाता है कि उसने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया। स्टेन उसे रोकते हुए बताता है कि एलिस और उसका कुत्ता मर चुके हैं और शेर में एक राक्षस है। डॉमर स्टेन की बात नहीं मानता, पर स्टेन उसे लाशें दिखाने की पेशकश करता है, लेकिन पहले वो दरवाजे के छेद को बंद करने के लिए कुछ सामान उठाता है। तभी अचानक डॉमर को अपना नाम सुनाई देता है और जब वो दरवाजे के पास आता है, उसे जोई की झलक दरवाजे पर दिखाई देती है। स्टेन तुरंत छेद को ढकने की कोशिश करता है और डरा हुआ डॉमर भी उसकी मदद करता है। इसके बाद डॉमर उत्साहित हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वे उस राक्षस का इस्तेमाल गैंग को मारने के लिए कर सकते हैं, लेकिन स्टेन डॉमर को बकवास आइडिया कहकर टाल देता है और उसे किसी की हत्या करने से मना करता है। उस रात स्टेन चाकू लेकर सोता है और एक पुरानी वैम्पायर मूवी देखता है ताकि उनकी कमजोरियों के बारे में जान सके। फिल्म में उन्हें सूरज की रोशनी से जलाना, उनके काले दिल को नष्ट करना और उनका सिर काटना दिखाया गया है। अचानक एक महिला दीवार पर लगी एक शरारती पोस्टर से बाहर निकलती है और स्टेन के ऊपर बैठ जाती है, लेकिन वो अचानक एक डरावनी वैम्पायर में बदल जाती है और उसे काट लेती है, लेकिन तभी स्टेन जाग जाता है। जूते ढूंढते हुए वो बिस्तर के नीचे देखता है और वहां फिर से वैम्पायर पाता है, लेकिन ये भी एक सपना ही होता है। गुस्से में वो पोस्टर को दीवार से फाड़ देता है। फिर वो शेड के ऊपर चढ़कर छत में छेद करना शुरू करता है ताकि सूरज की रोशनी अंदर छिपे जोई को जला सके, लेकिन अंदर जोई के छिपने के लिए अभी भी पर्याप्त छाया होती है। इसके बाद शेरिफ डॉनी स्टेन से मिलने आती है और एलिस के बारे में पूछती है। स्टेन कहता है कि वो बाहर है, जो डॉनी को अजीब लगता है क्योंकि उनकी गाड़ी अभी भी मेन गेट पर खड़ी है। स्टेन शपथ लेता है कि उसे नहीं पता एलिस कहाँ है और इसका दोष बूढ़े आदमी की शराब पीने की आदतों पर डाल देता है। डॉनी बताती है कि सड़क के पास रहने वाले परिवार के सारे खरगोश मारे गए थे, इसलिए उस घर का शख्स दोषी को खोजने गया, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। जब शेरिफ स्टेन को उस आदमी की तस्वीर दिखाती है तो स्टेन जोई को पहचानता है, लेकिन वो शेरिफ डॉनी को कहता है कि उसने उसे कभी नहीं देखा। शक में डॉनी स्टेन को स्कूल छोड़ने की पेशकश करती है और जब स्टेन तैयार होता है तो वो एलिस की छड़ी को फर्श पर देखती है। स्कूल में रॉक्सी स्टेन की चोटों के बारे में चिंता करती है, लेकिन फिर से मार्बल की गंदी टिप्पणी उसे बीच में रोक देती है। स्टेन उसकी रक्षा के लिए आता है और मार्बल उसे सस्ती चीज कहते हुए स्टेन को बताता है कि वो रॉक्सी को रख सकता है। गुस्से में स्टेन मार्बल पर घूंसे बरसाना शुरू कर देता है और उसे जमीन पर पटकता है और फिर से जोर से मारता है। एक टीचर उसे खींचकर वापस ले जाता है और कहते हैं कि वे एलिस से उसकी शिकायत करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि वे उसे फोन पर नहीं ढूंढ पाए, उन्होंने एलिस को लाने के लिए शेरिफ डॉर्नी को भेजा है। शेरिफ को रोकने के लिए स्टेन स्कूल से भागता है, इस बात से बेखबर कि मार्बल उसका पीछा करने की कोशिश कर रहा है। एलिस के घर पर डॉनी दरवाजे की घंटी बजाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसी समय उसे शेर से आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए वो जांच करने जाती है। वो किसी चीज के जोर से दरवाजे पर टकराने से चौंक जाती है, तभी वो एलिस की आवाज सुनती है जो मदद मांग रही है। वो ताले पर गोली चलाती है, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले स्टेन वहां पहुंच जाता है। डॉनी उस पर बंदूक तानती है, लेकिन स्टेन उसे बताने की कोशिश करता है कि शेर में एलिस नहीं बल्कि जोई है, लेकिन शेरिफ डॉनी उसकी बात नहीं मानती। फिर वो एलिस को बचाने के लिए दरवाजा खोलती है, लेकिन जोई उस पर कूद जाता है। वो उसकी गर्दन काटता है और उसके हाथ को उठाकर उसकी गोलियां हवा में चला देता है। फिर उसका हाथ फाड़कर उसे शेड में घसीटता है ताकि उसे खा सके। स्थिति और भी बिगड़ जाती है जब अचानक मार्बल वहां पहुंच जाता है और स्टेन को पीटना शुरू कर देता है। कुछ मुक्कों और लातों के बाद मार्बल अपने ब्रास नकल्स निकालता है ताकि काम खत्म कर सके, लेकिन अचानक गोली की आवाज सुनते ही वो रुक जाता है। ये डॉमर था जिसने डॉर्नी की बंदूक से फिर से गोली चलाई ताकि मार्बल आत्मसमर्पण कर दे।
स्टेन उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉमर धमकी देता है कि अगर वो बीच में आया तो उसे भी चोट पहुंचाएगा। फिर वो मार्बल को अपमानित करता है, जिससे मार्बल को ये मानना पड़ता है कि वो एक डरपोक है। फिर डॉमर स्टेन की चेतावनियों को फिर से नजरअंदाज कर मार्बल को शेर की ओर भेज देता है। पहले तो मार्बल सामान्य रूप से चलता है, लेकिन जब वो डॉनी का कटा हुआ हाथ देखता है तो डरने लगता है। मार्बल माफी मांगता है और स्कूल की हर घटना का दोष अपने ऊपर लेता है, फिर भी डॉमर उसे शेर में जाने के लिए कहता है। जल्द ही वे मार्बल के मौत के घाट उतारे जाने की आवाजें सुनते हैं। गुस्से में स्टेन डॉमर से बंदूक के लिए लड़ने लगता है और उस पर चिल्लाता है। हालांकि मार्बल की चीख स्टेन का ध्यान भंग कर देती है और डॉमर उसे बंदूक से मारकर बेहोश कर देता है। कुछ ही देर बाद रॉक्सी स्टेन को होश में लाती है। शेर का दरवाजा खुला था। रॉक्सी कहती है कि उसने आसपास किसी को नहीं देखा और जैसे ही उसे जमीन पर पड़ा कटा हुआ हाथ दिखता है वो घबरा जाती है। फिर स्टेन शेर के अंदर जांच करने जाता है और मार्बल के ब्रास नकल जमीन पर पड़े पाता है। पीछे के अंधेरे में उसे मार्बल खड़ा दिखता है, लेकिन तभी उसका मृत शरीर गिरता है और डॉमर सामने आता है जो अब एक वैम्पायर बन चुका है। डॉमर बताता है कि जोई अभी तो यहां से चला गया है, लेकिन वो जल्द ही वापस आएगा और स्टेन को खत्म कर देगा। वो आगे बढ़ते हुए बोलना शुरू कर देता है, बिना इस बात की परवाह किए कि हल्की किरणें उसके शरीर को जला रही हैं। उसी समय रॉक्सी उसे देखती है और चिल्लाती है, तो डॉमर इस ध्यान भटकाने का फायदा उठाकर स्टेन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेन तुरंत उसे एक डंडे से मारता है और उसका हाथ सूरज की रोशनी में डालकर उसे धकेल देता है। इसके बाद स्टेन शेड का दरवाजा बंद कर देता है और रॉक्सी को गले लगाता है, तभी डॉमर अचानक बाहर निकलकर उन्हें चौंका देता है। वो माफी मांगने की कोशिश करता है, जबकि सूरज की रोशनी उसे जलाकर मार देती है। स्टेन उसे एक चादर से ढकने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर स्टेन रॉक्सी को सारी बातें बताता है और वे रात के लिए तैयारी करने लगते हैं। वे लाशों को शेड में रखते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं, हर खिड़की और दरवाजे को बंद कर देते हैं और चिमनी में आग जला देते हैं। वे कई लकड़ियों से खूंटे बनाते हैं और जितने चाकू मिल सकते हैं उन्हें इकट्ठा करते हैं। स्टेन खुद को इस पूरे मामले के लिए दोषी ठहराने से नहीं रोक पाता, लेकिन रॉक्सी उसे कहती है कि ये उसकी गलती नहीं है और वे एक चुंबन साझा करते हैं। रात होने पर पता चलता है कि जोई जंगल में मिट्टी के नीचे छिपा था और अब वो बाहर आ रहा है। घर पर पिट और ओजी दरवाजे पर दस्तक देते हैं और मार्बल के बारे में पूछते हैं। रॉक्सी और स्टेन उन्हें जाने के लिए कहते हैं। ओजी को तब चिंता होती है जब उसे छाया में एक आकृति दिखती है और वह पिट को चेतावनी देने की कोशिश करता है, जो अभी भी बहस करता रहता है। अचानक एक हाथ बाहर निकलता है और ओजी को छत पर खींचकर उसे खा लेता है, जिससे उसका खून बहता है। आखिरकार पीट को समझ में आता है, फिर स्टेन और रॉक्सी के पास उसे अंदर आने देने के अलावा कोई चारा नहीं होता। उसी समय जोई पावर बॉक्स को नष्ट कर देता है। स्टेन सोचता है कि वे सुरक्षित होंगे क्योंकि उन्होंने सभी दरवाजे सील कर दिए हैं, तभी उसे एहसास होता है कि उन्होंने अटारी को बंद नहीं किया है। उन्हें ऊपर से आवाजें आने लगती हैं, इसलिए वे जांच करने जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक अलग कमरे की जांच करने के लिए अलग हो जाते हैं। स्टेन को कोई घुसपैठिया नहीं मिलता, लेकिन उसे एलिस की बंदूक मिल जाती है। रॉक्सी घबराई हुई होती है जब वो स्टेन के बिस्तर के नीचे जांच करती है, लेकिन उसे वहां भी कुछ नहीं मिलता। इस बीच पिट एक खुली खिड़की पाता है और उसे बंद करने के लिए दौड़ता है। ये ध्यान नहीं देता कि फर्श पर टूटा हुआ कांच पड़ा है। जब वो घूमता है तो उसे वैम्पायर बना ओजी गुर्राता हुआ दिखता है। उसी समय रॉक्सी पर हमला होता है और उसे अटारी में ले जाया जाता है। स्टेन उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसका रास्ता ओजी और पिट द्वारा रोक दिया जाता है, जो अब एक वैम्पायर बन चुके हैं। डरा हुआ स्टेन एक कमरे में भागता है और दरवाजे को कुर्सी से बंद कर देता है ताकि गोलियों की तलाश कर सके, जबकि पिट दरवाजे को कुल्हाड़ी से तोड़ देता है। जब बंदूक लोड हो जाती है तो स्टेन उसे पिट के मुंह में डालता है और एक ही बार में दोनों वैम्पायर्स को गोली मार देता है। अटारी में रॉक्सी को जोई द्वारा पीटा जा रहा था, लेकिन तभी स्टेन उसे रोक देता है। वो गोलियां चलाता है और पहली गोली जोई के हाथ में लगती है, लेकिन वो फिर से गोली नहीं चला पाता क्योंकि जोई तेज है और बंदूक उससे छीन लेता है। इसके बाद स्टेन कुल्हाड़ी जोई के कंधे पर मारता है, लेकिन जोई उसे लात मारकर गिरा देता है। जोई कुल्हाड़ी निकालता है और स्टेन पर कूदकर उसका गला घोंटने लगता है। हालांकि रॉक्सी बंदूक उठाकर जोई को गोली मार देती है और स्टेन जमीन पर गिर जाता है। गोली केवल जोई के चेहरे को घायल करती है और अब बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी थी। जोई रॉक्सी पर हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन उसी समय स्टेन उस पर चिल्लाता है और वो थोड़ी पर चाकू फेंकता है, लेकिन जोई उसे चकमा देता है और चाकू रॉक्सी के कंधे में जा लगता है। इसके बाद जोई फिर से स्टेन का गला घोंटने की कोशिश करता है और अब रॉक्सी कुल्हाड़ी को पकड़ लेती है, जिससे वो एक ही झटके में जोई का सिर काट देती है। अब सब कुछ खत्म हो गया। स्टेन और रॉक्सी सभी शवों को शेड में रखकर आग लगा देते हैं। वे सुबह अपनी कार में जागते हैं और उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने ट्रंक को बंद नहीं किया था, जिसमें कुछ चल रहा था और वो खुलने की कोशिश कर रहा था,